एवरीवन, वेलकम टू केटू सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर में दोस्तों 41 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका था। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर रेटिंग फॉर सिंक्रोनस मोटर आर। देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है, सबसे पहले ये याद कर लीजिए कि वो हमेशा लीडिंग होता है, ठीक। और ये पूछ रहा है कि पावर फुल लोड में पावर फैक्टर का रेंज क्या होगा। दोस्तों, इसका रेंज होता है, देखिए, यूनिटी 2.8 लीडिंग, ठीक है, इसका पावर फैक्टर होता है यूनिटी 2.8 लीडिंग, हमेशा लीडिंग होगा। और इंडक्शन मोटर का इसका जस्ट रिपीट, हमेशा लैगिंग होता है। और सबसे खराब पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का, सबसे अच्छा पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर का। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में भी सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सी पार्ट, ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद, ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद नॉर्मल एक्साइटेशन एडजस्ट टू लोड इंक्रीजेज इसेंशियली बाई इंक्रीज इन, बाई इंक्रीज इन आर्मेचर करेंट। ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद नॉर्मल एक्साइटेशन एडजस्ट टू लोड इंक्रीजेज इसेंशियली बाई इंक्रीजेज इन आर्मेचर करेंट। तो दोस्तों, 43 का आंसर बी पार्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका डिटेल क्लियर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंक्रोनस मोटर हैज बेटर पावर फैक्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर, दिस इज मेनली बिकॉज। मतलब एक सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर की तुलना में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा किसके कारण होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं इसका, सिंक्रोनस मोटर हैज नो स्लिप, सिंक्रोनस मोटर में कोई स्लिप नहीं होता है। वो तो दोस्तों सही है कि सिंक्रोनस मोटर में कोई स्लिप नहीं होता है, लेकिन ये उसका रीजन नहीं है कि उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा, स्लिप जीरो होगी तो, ठीक है। ऑप्शन बी, स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब स्टेटर सप्लाई को जो रिक्वायर्ड नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। देखिए, ये ऑप्शन सही है कैसे, देखिए, ये आपका एक जैसे मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, ये आपका सिंक्रोनस मोटर है, ठीक, ये घूम रहा है। इधर नॉर्थ और साउथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ थ्री फेज सप्लाई देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाता है, इसमें फील्ड जनरेट हो जाती है नॉर्थ साउथ करके, ठीक है। इसको हम प्राइम मूवर की सहायता से क्या करते हैं, घुमाते हैं, ये घूमने लगता है। फिर जब ये घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड से घूमने लगता है ये रोटर, फिर इसमें क्या करते हैं, हम डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे यहाँ पे साउथ बन जाता है, इस पर नॉर्थ, इस ऐसा सप्लाई देते हैं कि इससे यहाँ साउथ बने या नॉर्थ, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक होने के बाद प्राइम मूवर हटा देंगे, फिर ये घूमता ही रहेगा। अब देखिए, जो इसका ये घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है उसको उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, जो इसमें स्टेटर सप्लाई ये जो दिया जाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए नहीं उत्पन्न करी, मतलब लगाया जाता है, उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न स्पीड से इसको घुमाने के लिए, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घूम सके, इसलिए इस स्टेटर में सप्लाई की जाती है, ठीक है, नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने में। इसीलिए इसका पावर फैक्टर इससे अच्छा होता है इंडक्शन मोटर के अपेक्षा। इंडक्शन मोटर में क्या होता है,
वाइंडिंग की रहती हैं ऐसे ऐसे करके, इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ठीक, इस जगह कट करता है मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसमें फ्लक्स वेरिएशन के कारण इसमें करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से IBL फार्मूला लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स जनरेट होने से टॉर्क लगता है, टॉर्क की तरफ से घूमने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और घूमने के कारण इसके फिर एक अपोज करने वाली फील्ड उत्पन्न होती है जिसे बैक EMF कहते हैं ठीक, इस पावर फैक्टर इसलिए इंडक्शन मोटर का बुरा होता है, और इसमें कोई बैक EMF नाम की ज़्यादा मतलब होती नहीं है चीज़ सिंक्रोनस मोटर में ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी पार्ट सही है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज्ड फेज एडवांसर, देखिए दोस्तों फेज एडवांसर के रूप में प्रयोग किया जाता है सिंक्रोनस मोटर का। अब देखिए फेज एडवांसर होता क्या है दोस्तों, जैसे किसी इक्विपमेंट का पावर फैक्टर बहुत बुरा है ठीक, लॉसेस ज़्यादा हो रही है, तो उसको सुधार करने के लिए हम उसमें फेज एडवांसर लगाते हैं। फेज एडवांसर का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस मोटर ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी पार्ट। 46 कह रहा है स्लिप रिंग्स आर यूजली मेड ऑफ, देखिए दोस्तों स्लिप रिंग्स जो होती है वो फास्फर ब्रॉन्ज से बनती है, लेकिन ऑप्शन में तो फास्फर ब्रॉन्ज दिया नहीं है, इसलिए ब्रॉस और स्टील ठीक है। 47 एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, देखिए ओवर एक्साइटेशन पर सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब पावर फैक्टर के करेक्शन करने के लिए उसका उपयोग मतलब किया जा सकता है ठीक है, तो इसलिए आपका इसका आंसर डी पार्ट। और कैसे देखिए ग्राफ्स भी कर्व से भी आप समझ सकते हैं कि भी कर्व से आप समझ सकते हैं कि जो ये देखिए आपकी नॉर्मल एक्साइटेशन वाली लाइन होती है ठीक, यहाँ से पावर फैक्टर का जाता है, ये आपकी आर्मेचर करंट होती है, ये आपकी फील्ड करंट होती है ठीक है, ये इस अंडर एक्साइटेशन, ये तो ना ओवर एक्साइटेशन, ये लैगिंग PF ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर, और ये होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर ठीक, लीडिंग पावर फैक्टर। और दोस्तों एक बात इस भी करो कि आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो नॉर्मल एक्साइटेशन पे जो पावर फैक्टर होता है, पहली बात तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है और वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन के बाद लीडिंग शुरू होता है और ओवर एक्साइटेशन रेंज में लीडिंग पावर फैक्टर होता है ठीक है, इसलिए इसको इसका उपयोग हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में करते हैं ओवर एक्साइटेशन पर ठीक है, पावर फैक्टर करेक्शन हो गया। इसके बाद आता है आपका व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू ए सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस, मतलब अप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज उसको हम बढ़ा दे रहे हैं सिंक्रोनस मोटर के, तो क्या घट जाएगा ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यदि ये इंडक्शन मोटर होता तब तो स्टेटर फ्लक्स और पुल इन टॉर्क दोनों कम हो जाते, लेकिन ये है आपका सिंक्रोनस मोटर, और अभी हमने आपको बताया कि जो सिंक्रोनस मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए नहीं केवल सप्लाई प्रयोग की जाती है, वो सिंक्रोनाइजिंग स्पीड देने में भी सहायता होती है, इसलिए सप्लाई देते हैं। और टॉर्क की रही बात, टॉर्क की सिंक्रोनस मोटर में तो इसमें जो टॉर्क है ये तो हम प्राइम मूवर्स लेते हैं, प्राइम मूवर्स इसको घुमाते हैं, घुमा करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर लेकर जाते हैं, इसके बाद DC सप्लाई स्टार्ट करते हैं, फिर नॉर्थ साउथ इंटरलॉक हो जाता है, फिर प्राइम मूवर हटा लेते हैं, चलता रहता है अपना ठीक, इसमें कोई पुल इन टॉर्क का ज़्यादा काम ही नहीं है, इसलिए सप्लाई आप बढ़ाइए चाहे घटाइए पुल इन टॉर्क पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही स्टेटर फ्लक्स पे, तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव 48 ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है इस पे ध्यान दीजिएगा। तो 48 तक हो गए, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है, चाहे आप उस पर लोड बढ़ाएं तब भी नहीं चेंज होगी, चाहे लोड घटाएं तब भी नहीं चेंज होगी, ठीक है, चाहे पावर फैक्टर बढ़ाएं तब भी नहीं चेंज होगी, ठीक है। एक चीज़ पे केवल स्पीड इसकी वेरिएशन कर सकती है, वो होता है एक फ्रीक्वेंसी और एक पोल। अब पोल चेंज होता नहीं, फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए इसको ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, डस्ट एंड डर्ट एक्यूमुलेशन ऑन मोटर वाइंडिंग विल रिजल्ट। मतलब मोटर की वाइंडिंग पे जो डस्ट एंड धूल और गंदगी जम जाती है, उसके कारण क्या होता है, तो राइज इन वाइंडिंग टेम्परेचर, जो वाइंडिंग का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, इसके कारण से, जो ऐसे जैसे ये वायर है आपका, ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रही है, खुला वायर है, ठीक, खुला वायर, ना कि इसमें कोई ऊपर से इंसुलेशन किया गया है, और इस पर आपका जाके डर्ट और चिपक जाए, तो ये जो थोड़ा कूलिंग कम हो पाता है इसका, इसलिए जम जाने से इसकी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए, राइज इन वाइंडिंग टेम्परेचर। 51 कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ प्रॉपरली डिजाइंड सिंक्रोनस मोटर विल यूजली फॉल इन रेंज। मतलब बढ़िया से, अच्छे तरीके से सिंक्रोनस मोटर को डिजाइन किया गया है, इसके बाद इसकी एफिशिएंसी किस रेंज में फॉल करेगी, तो दोस्तों 85 से 95% तक होती है, ठीक, सी पार्ट। 52 नंबर, द लिमिट टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एन इलेक्ट्रिकल मशीन शुड हैव प्रॉपर। तो टेम्परेचर को लिमिट, मतलब सीमित में रखने के लिए हमको क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या उचित मात्रा में रहना चाहिए, मतलब उचित होना चाहिए। तो करंट रेटिंग, करंट बहुत ज़्यादा ना हो, करंट बहुत ज़्यादा होगी तो आयुष्कार आर ज़्यादा होगा, आयुष्कार ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो जल सकता है मोटर, इसलिए करंट रेटिंग को हम प्रॉपर रखते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्लिप रिंग्स इन सिंक्रोनस मोटर कैरी, मतलब स्लिप रिंग जो सिंक्रोनस मोटर में होती है वो कैरी क्या करती है, वो तो क्या करती है, डीसी सप्लाई लेती है, जो एक्साइटेशन करते हैं वही कैरी डीसी सप्लाई। ऑप्शन ए पार्ट 53 ए का, अभी हमने आपको बता भी चाहिए, ये जो डीसी सप्लाई दी जाती है आपको, ये वाली डीसी सप्लाई, ये क्या क्या करने के लिए दी जाती है, स्लिप रिंग से ही तो कैरी करती है उसको, तब नॉर्थ साउथ जाकर जनरेट होता है, तो इंटरलॉक हो जाता है, फिर घूमता रहता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 54, ठीक है। ए सिंक्रोनस मशीन विद लार्ज एयर गैप हैज, मतलब एक सिंक्रोनस मशीन है विद लार्ज एयर गैप, लार्ज एयर गैप के उसके पास लार्ज एयर गैप है, तो फिर क्या होगा। ऑप्शन ए, हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट, ए स्मॉल वैल्यू ऑफ इनहेरेंट रेगुलेशन, ए हायर सिंक्रोनाइजिंग पावर विच मेक्स द मशीन लेस सेंसिटिव टू लोड वेरिएशन, ऑल ऑफ द एबव। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो क्या है, जैसे देखिए किसी सिंक्रोनस मोटर में एयर गैप, मतलब समझते क्या होता है, ये देखिए जो ये जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है उससे इसकी दूरी को एयर गैप बोलते हैं, ठीक है। एयर गैप यदि ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अच्छे तरीके से उसके अंदर जरूर कुछ डैम्पिंग आ जाएगा, कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, लॉसेज ज़्यादा होने लगेंगे, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा आएगा तो रेजिस्टेंस रिलेक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो एयर गैप का फंडा समझ में आया। अब देखिए क्या क्या होता है, ऑप्शन में देखते हैं, हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है, स्टेबिलिटी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, जितनी स्टेबिलिटी लिमिट की वैल्यू कम होती है उतना अच्छा मोटर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, स्मॉल वैल्यू ऑफ इनहेरेंट रेगुलेशन, एकदम सही, जो रेगुलेशन है इनहेरेंट रेगुलेशन, ठीक है, वो स्मॉल वैल्यू हो जाएगा, और सिंक्रोनाइजिंग पावर भी हायर हो जाएगी, सेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं मतलब उतना अच्छा मोटर नहीं होगा, सेंसिटिव सेंसिटिव मोटर नहीं होगा, ठीक है, एक तरीके से उसको खराब मोटर बोला जाएगा यदि उसको
मशीन में एयर गैप ज़्यादा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट 54 का, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 55 नंबर का हो गया, द आर्मेचर करेंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर हैज हायर वैल्यू फॉर, मतलब आर्मेचर करेंट, सिंक्रोनस मोटर का आर्मेचर करेंट हैज हायर वैल्यू, मतलब हायर वैल्यू है तो फिर क्या होगा, हाई एक्साइटेशन ओनली, लो एक्साइटेशन ओनली, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब पूछ, मतलब आर्मेचर करंट की हायर वैल्यू किस पर होती है ये पूछ रहे क्वेश्चन में। तो अब देखिए तुरंत बता देते हैं कैसे होती है, बी कर्व से। देखिए यदि ये अंडर एक्साइटेशन है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू ज़्यादा है, ओवर एक्साइटेशन पे है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू देखिए ज़्यादा है। ठीक है, यदि ये यूनिटी फॉर फैक्टर मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन पे है तो इसका आर्मेचर करंट की वैल्यू सबसे कम होती है नॉर्मल एक्साइटेशन पे, अंडर एक्साइटेशन पे भी ज़्यादा होगी, ओवर एक्साइटेशन पर भी ज़्यादा होगी। ग्राफ देखिए ऐसे क्या है ना, ओवर एक्साइटेशन पे ठीक, ये अंडर एक्साइटेशन पे भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, हाई एक्साइटेशन ऑनली, लो एक्साइट, बोथ ए एंड बी, मतलब हाई एक्साइटेशन पे भी ज़्यादा होगी, लो एक्साइटेशन पे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद फिक्स एक्साइटेशन, व्हेन द लोड इज इंक्रीज 3 टाइम्स इट्स टॉर्क एंगल बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों टॉर्क एंगल और लोड में रिलेशन, टॉर्क एंगल प्रोपोर्शनल टू लोड एंगल, अल्फा ही से बोलते। ठीक, तो यदि इस लोड को 3 टाइम्स कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सा का थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, थ्राइस क्या बोला, व्हेन द लोड इज इंक्रीज 3 टाइम्स द टॉर्क एंगल बिकम्स थ्राइस। 57 कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स इज कॉल्ड, सिंपल है, रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं टॉर्क एंगल। देखिए इसके याद करने, इसको तो याद ही करना पाए, तो याद करने का तरीका देखिए, द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स, रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल्स के बीच के एंगल को हम टॉर्क एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों याद ही करना पड़ेगा, इसका आंसर जो है टॉर्क। ठीक, 50 टॉर्क एंगल, ये तो टॉर्क फिलअप करना था, ब्लैंक पेज था। ठीक है, 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टार्ट ए सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने कौन सी मेथड, डैम्पर वाइंडिंग मेथड लगाते हैं। ठीक है, यही सब स्टार्ट एंटा स्टार्ट, जो स्टार्टर होता है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में, डैम्पर वाइंडिंग कंजंक्शन विद स्टार्ट एंटा, 3 फेज इंडक्शन रेजिस्टेंस, 3 फेज इंडक्शन। ठीक है, तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग मेथड है ये आपका सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में प्रयुक्त किया जाता है, और कौन सा मेथड होता है, प्राइम मूवर वाला। ठीक है, 59 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द रोटर स्पीड इन ए सिंक्रोनस मशीन बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड, मतलब रोटर स्पीड जो है सिंक्रोनस मशीन में बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग, डैम्पर बार डेवलप, डैम्पर बार जो है डेवलप करेगा, इंडक्टर मोटर टॉर्क, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, सिंक्रोनस मोटर टॉर्क, डीसी मोटर टॉर्क, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सिंपल है, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर से ज़्यादा स्पीड से घुमाने के लिए हम जिस प्राइम मूवर का इस्तेमाल करते हैं वो चाहे जनरेटर हो चाहे टरबाइन हो, उसका जो स्पीड होना चाहिए वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए जो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क उत्पन्न होता है वो उस इसका जो टॉर्क होता है वो इसके उस सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा घुमाने में मतलब प्रोवाइड करवा सकता है, इसलिए इंडक्शन जनरेटर टॉर्क सुटेबल यही है। डीसी मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं प्राइम मूवर को घुमाने में, लेकिन उसका टॉर्क जो कम होता है। ठीक है,
इलेक्शन जनरेटेड टॉर्क बी पार्ट सही 59 का। 60 कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर ओवर वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर इज दैट इट्स पावर फैक्टर मे बी वेरिड एट विल इट्स स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी इट्स स्पीड मे बी कंट्रोल मोर इजिली नन ऑफ द अबव। तो इसका जो पावर फैक्टर है वो क्या करता है, वेरी करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। लीड अंडर एक्साइटेशन में, लैगिंग ओवर एक्साइटेशन में, लीडिंग। और देखिए जो बी वाला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि इट्स स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ये गलत है क्योंकि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, पोल पर डिपेंड करता है। कॉन्स्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी हम फिक्स किया रहते हैं, पोल भी आप चेंज नहीं करते। एक बार कंस्ट्रक्शन कर दिया, चार पोल का है, छः पोल का है, उसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इस कॉन्स्टेंट स्पीड माना गया है। यदि फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से बढ़ घट सकता है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया ए पार्ट 60 का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिए, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों अपने जितने ग्रुप हो आपके व्हाट्सएप में उसमें सभी पे शेयर कर दीजिए और फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। बस दोस्तों आप इतना करिए और मैं आपको वीडियो डेली प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और शेयर जरूर करिए दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप पे। वही शेयर का बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करके शेयर, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा उस पर आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं आपसे। सी यू नेक्स्ट टाइम।